रोमान रोमान अंसारी जी आ जाए। आप लेंगे क्या? देखेंगे सब लोग यहाँ पे देखेंगे भैया। अरे भैया प्लीज अभी यार बोल लो और क्या है 2022 को लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई है? आज तो लोहिया बहनी की यहाँ की बरेली की कमेटी का स्वागत और सम्मान किया गया था और उन लोगों को पत्र सौंपे गए थे। और जहाँ तक 2022 की बात है, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। चारों तरफ माननीय अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। जिस शहर में और जिस जगह पहुँच जाते हैं वहाँ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के ने उस भीड़ को देखकर अपना मनोबल बहुत नीचा कर लिया और सब पगला से गए। अजीब अजीब स्टेटमेंट देते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहे कि लाल टोपी खतरे का निशान है, तो इससे ज़्यादा यानी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इस तरीके की बातें अशोभनीय नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग बौखला गए हैं और इन्हें अपनी हार दिखाई पड़ रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश से इन लोगों का सूखा साफ हो जाएगा और 2024 में केंद्र सरकार से इनका खात्मा निश्चित है। कल लोकसभा का थोड़ा सा वो देख रहा था मैं, तो उस समय भी देखा कि जया बच्चन के लिए जिस तरीके से इन लोग खराब बातें कर रहे थे और आखिर में उनने बहुत ही गुस्से में आके कई बातें कहीं जो बीजेपी के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। तो 2022 में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन है और जनता हम लोगों को चाहती है। हम लोगों के कार्यों को, हम लोगों की सेवाओं को वो याद करती है। और इन लोगों का तो एक ही काम है कि देश की जनता कैसे गरीब हो जाए और उन गरीब लोगों पर हम कैसे लंबे समय तक शासन करें।